कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो। अरे भैया आशीर्वाद कोई बिक रहा है क्या या फैला पड़ा है? आशीर्वाद तो पात्र को मिलता है, अपात्र को कभी नहीं मिलता। आपकी पात्रता कैसी है, आपका भाव कैसा है, आपका मन कैसा है, आपकी सेवा कैसी है, आपकी वाणी कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका आहार कैसा है, ये सब का जब संतुलन होता है, जब व्यक्ति का व्यवहार सुंदर दिखता है और सेवा भाव प्रदर्शित होता है तो ये आशीर्वाद तो स्वतः ही निकल जाता है। ये कोई मांगने की वस्तु नहीं है। आप इतने सेवा करो, आप प्रेम से भाव से सेवा करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपको मिल जाएगा आशीर्वाद। मांगने की वस्तु नहीं, पात्र है तो आपको सेवा का पुण्य मिल जाएगा, सेवा का फल मिल जाएगा। अपात्र को कहां मिलेगा? एक जगह पर एक बर्तन फूटा टूटा रखा हुआ है, एक जगह पर सावत रखा है, एक में पानी डाला तो वो निकल गया जिसमें फूटा था, जो सावत है उसमें डालते गए पानी तो वो उसमें इकट्ठा होता गया, टूटे फूटे मटके में पानी डाला तो निकलता गया निकलता गया निकलता गया। टूटा फूटा पात्र क्या है? वो है अपात्र, जो किसी लायक नहीं है, जो नालायक है। और सावत पात्र है सदपात्र, जो सेवक है, सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान करने वाला। वाणी से कभी किसी का मन नहीं दुखाता, सदैव जो सेवा में संलग्न रहे, पात्र तो सच में वही है। अपात्र को क्या मिलेगा? मिलता तो पात्र का ही है। आपके घर में मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा आपका पात्र है एक अपात्र है, बहुत शैतान है, सबको मारता है पीटता है, किसी की सुनता नहीं, जिद्दी है। माँ बाप भी यही कहेंगे अरे कहां से असुर बालक पैदा हो गया। जो सदपात्र है, जो आपकी आज्ञा का पालन करता है, जो शांत स्वभाव का है, माता पिता उसी को ही प्रेम करते हैं। जो माता पिता का ध्यान रखे, आपके घर में आपकी माता पिता ही लक्ष्मी और नारायण हैं, आप अपने घर में माता और पिता की सेवा करते हैं तो आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक बुढ़िया माता कहीं में ठहरा हुआ था तो नित्य प्रति झाड़ू लगाती तो वो गाती जाती थी, घर में ही मंदिर बनाइए बाहर हम पूजन न जाइए, ससुर जी हमारे नारायण लगते हैं सासू जी लगते हैं लक्ष्मी, बाहर हम पूजत न चाहिए। आप आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं आप उनका तो अपमान करते हैं और बाहर आप मंदिर में सेवा करने के लिए जाते हैं तो वो सेवा पूजा आपकी व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। घर में आपके पति आपके बालक भूखे हैं, आप मंदिर में ताली बजा रहे हैं, क्या काम की भक्ति है? मंदिर में भी जाओ घर में भी ध्यान रखें, घर वालों का भी सेवा करो। आप जब तक घर में सेवा नहीं करेंगे, पति को तो तुम मारते हो ताने, पति के तो उल्टे सीधे शब्दों से उनका आदर करते हो और बाहर जाकर के दूसरों के पैर छूते हो, बहुत मीठी वाणी का प्रयोग करते हो, क्या लाभ तुम्हारी भक्ति का? प्रेम एक जैसा हो घर में भी और बाहर में भी, दिखावा नहीं। भगवान को आपका दिखावा पसंद नहीं। घर में भी उसी प्रकार से रहिए और बाहर भी उसी प्रकार से ही रहिए तो ही आपकी भक्ति परिपूर्ण होगी, तभी आप सुखी से धन से संपन्न होंगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।